नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल 2021 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए किस तरह का रहने वाला है, कौन से ग्रह उनके लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उनका प्रभाव उनके कैरियर, आर्थिक स्थिति, रिलेशनशिप, साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किस तरह का रहेगा, इन सारे विषयों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र देव 9 अप्रैल के बाद से ही आपके धन भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य ग्रह भी 12 अप्रैल के बाद से आपके धन भाव में ही गोचर करने वाले हैं। दोस्तों, शुक्र और सूर्य की स्थिति आपके धन भाव में होने से अप्रैल के महीने में आपको आर्थिक लाभ विशेषकर होने वाला है। दोस्तों, शुक्र और सूर्य का आपके धन भाव में होना कैरियर के मामले में भी आपको बेहद अनुकूल परिणाम देने वाला है। महीने के प्रारंभ से ही आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। जो जातक व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी धन की स्थिति पक्ष में आते हुए नजर आ रही है। जो मीन राशि के जातक नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उन्हें भाग्य का सहयोग प्राप्त होने वाला है। व्यापार से जुड़े जातकों को अच्छा खासा लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि भाग्येश आपके सुख भाव में योग कारक साबित होगा, जिसके कारण, जैसे कि मैंने पहले कहा, आर्थिक जीवन को लेकर आपको बड़ा लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों, शुक्र और सूर्य के आपके धन भाव में होने से नौकरी एवं व्यवसाय में मीन राशि के जातक नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकेंगे। इसके पहले महीनों में आपने जो भी मेहनत की थी, वो भी अप्रैल का महीना आपको फल प्राप्ति दिलाने वाला है। जो मीन राशि के जातक कई सालों से एक ही जगह जॉब कर रहे हैं और पदोन्नति की आशा रखते हैं, उनके लिए यह महीना प्रमोशन एवं आय में वृद्धि लेकर आया है। अप्रैल के महीने में मीन राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच धन को लेकर आपको एक बड़ा लाभ प्राप्त अवश्य होने वाला है, क्योंकि धन स्थान में सूर्य एवं शुक्र की स्थिति धन योग का मीन राशि के जातकों के लिए पूर्णतः निर्माण कर रहा है। आर्थिक स्थिति के मामलों में मीन राशि के जातक अप्रैल के महीने में अति सफल देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो जातक अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अच्छी जगह नौकरी प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति देव 5 अप्रैल के बाद से ही आपके विदेश भाव में गोचर करने वाले हैं। बुध ग्रह 1 अप्रैल से ही आपके तनु भाव में गोचर करने वाले हैं। इसके साथ ही शनि देव आपके लिए मकर राशि में स्थापित हैं। दोस्तों, यह सारे ही ग्रह स्थिति आपकी किस्मत बदलने वाली है। मीन राशि के जातकों के लिए ग्रह स्थिति के चलते नौकरी में बदलाव की स्थिति भी बनेगी। यदि आप पुरानी नौकरी करके थक चुके हैं, तो इस समय आपको किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर बड़ी संस्था से भी कार्य करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों के लिए बुध देव लाभेश वक्री होकर तनु भाव में अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जिसके कारण मीन राशि के जातकों के जो भी पैसे अटके हुए थे, उन्हें वह सूद समेत अवश्य प्राप्त होंगे। इस महीने धन प्राप्ति के आपके लिए विभिन्न अवसर आपको मिलने वाले हैं, जिसके कारण आप कई अन्य जगह पर अच्छा निवेश करने में कामयाब रहेंगे। जो जातक शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी यह महीना नई उपलब्धियों को हासिल करने वाला रहेगा। अप्रैल का महीना अगर हम विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखें, तो यह महीना वे अपने शिक्षा के क्षेत्र में सफल होने वाले हैं, साथ ही किसी बड़ी प्राइवेट सेक्टर में अपना नया कैरियर प्रारंभ करने में भी वे सफल रहेंगे। जो मीन राशि के विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह महीना कई सारे शुभ संदेश लाने वाला है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से यह महीना किस तरह का रहने वाला है। 9 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच आपको संबंधों में एक अनुकूलता प्राप्त होने वाली है। आप अपने प्रियतम के साथ अच्छा समय व्यतीत करने में कामयाब रहेंगे। यकीनन इस महीने पैसा आपको प्रेम जीवन में सुख देने वाला है। इसके साथ ही घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके जो भी मनमुटाव
चल रहे थे वे भी आपको दूर होते हुए अवश्य नजर आएंगी। जो मीन राशि के जातक प्रेम संबंध में हैं, साथ ही विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनका सपना इस महीने सच होने वाला है। साथ ही जो मीन राशि के जातक सिंगल हैं, उनके लिए धन दौलत रुतबा वाला रिश्ता भी अवश्य आगमन करते हुए देखा जा सकता है। प्रेम में पड़े जातकों के लिए अप्रैल का महीना रोमांस से भरपूर रहने वाला है। मीन राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में जो भी आर्थिक लाभ मिलने वाला है उस धन को अच्छी तरह संयोजित अवश्य करें। ऐसे जगह धन का निवेश ना करें जहां से आपको नुकसान उठाना पड़े। जो भी निवेश करें उनमें बड़ों की सलाह अवश्य लें, इससे आप आगे और भी ज्यादा भाग्यशाली साबित होंगे। आखिर में बात कर लेते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य आपका किस तरह का रहने वाला है। मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य अप्रैल के महीने में सामान्य देखे जा सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी समस्या आपके समक्ष नहीं आने वाली है। परिवारजनों के स्वास्थ्य भी छोटे मोटे परेशानियों के साथ आपके लिए सुलझते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मीन राशि के जातक अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था अप्रैल 2021 का राशिफल मीन राशि के जातकों के लिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।